और अब वक्त है आजादी के सफर की आज की कड़ी का। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक रहा है। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें भारत के आयरन मैन के रूप में याद किया जाता है। बारह फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। बारह फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions and I will not stop until they stop. गांधी जी के विचार में किसी भी आंदोलन में एक निश्चित दौर के बाद विराम भी होना चाहिए, जिससे लोग फिर से ऊर्जा अर्जित कर सकें और अधिक सशक्त होकर उभरें। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेता बारडोली में मिले और असहयोग आंदोलन रोकने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। बारडोली प्रस्ताव पारित होने के साथ ही अभियान के दौरान करदाताओं ने संपत्ति कुर्क किए जाने पर भी राजस्व का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार किया और अपने खेतों में नहीं गए। किसानों ने बेदखली और जब्ती का अपने तरीके से प्रतिरोध किया। सरकारी कार्यालयों में किसानों को खबर देने वाले लोग थे जो उन्हें पहले ही सतर्क कर देते थे। जब अधिकारी राजस्व वसूल करने पहुँचते तो उन्हें गाँव खाली मिलता। आंदोलन के स्वयंसेवकों में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। वे भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिए भी काम करते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि ये स्थानीय आंदोलन था, लेकिन इस पर पूरे देश का ध्यान गया और इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला। स्थिति को काबू से बाहर होता देख ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। आखिरकार कर में बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया और किसान अपनी जब्त की गई जमीनों पर वापस लौट आए। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी की शिक्षाओं और किसानों के अदम्य संकल्प को दिया। देश भर के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व को माना। बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।